इस वक्त लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव अपना पक्ष रख रहे हैं, आइए सीधे आपको वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात, अगर अगर स्पीकर सर, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। हमारे साथ में जिसने मुझे कमांड किया मिलिट्री स्कूल में, वो दो बार का एडीसी था यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, मेजर गोपिंदर सिंह राठौर। स्पीकर सर, नहीं सर, ओके, आई एम नॉट यील्डिंग हिम। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूँ, वो यहाँ से गया अपनी नौकरी छोड़कर। आई एम नॉट यील्डिंग। मेजर गोपिंदर सिंह राठौर यहाँ से नौकरी छोड़ के गए और वो शहीद हुए, वो आतंकवादियों के सामने शहीद हो गए। मैं जिस स्पीकर सर, मैं जिस मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे फौज के लोग न जाने कितने शहीद हुए हैं। और अगर फौज के लोग बैठे हों या अगर कोई यहाँ फौज के बारे में समझता हो, तो मेरे स्कूल के पढ़े हुए न जाने कितने नौजवान शहीद हुए हैं वहां पर। जो दो बार राष्ट्रपति जी के साथ एडीसी रहा हो, वो शहीद हो गया वहां पर। क्या हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं। इसी का सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ, वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है, आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, और 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है? ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं हम भी। और केवल कश्मीर पे कहना, खुशी मनना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी हमें, सिक्किम वाली कब मिलेगी, मिजोरम वाली कब मिलेगी? और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, धोखा दिया है, दबाव बनाया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब, आपने कहा भरोसा दिलाएंगे। अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए, आप अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दीजिए, आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा, कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल, कार्रवाई से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन बल का उपयोग हुआ क्या नहीं हुआ? बल का उपयोग कौन नहीं जानता कि क्या फोर्स भेजी है वहां? आप गलियों की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर कश्मीर स्वर्ग है तो हम भी तो स्वर्ग को देख लें, जब उसके लिए इतना बड़ा फैसला हम सब बैठ के ले रहे हैं। असलैन मसूदी जी, जनाब आप
पक्ष में खिलाफ में ये बता दें। स्पीकर महोदय, कोई बिल पे बताया नहीं रहा, मुझसे ये कहा गया कि विकास होगा वहाँ पर कश्मीर में। मुझे खुशी इस बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ एक ही काम के लिए राष्ट्रपति आए उत्तर प्रदेश में, एक ही काम के लिए प्रधानमंत्री आए, एक ही काम के लिए आपको बुलाया गया, बताओ वो काम किसका था जो आप शिनानस कर करके आए थे। तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते आप, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब दिए हैं, तो जब उत्तर प्रदेश के साथ ये धोखा हो सकता है तो कश्मीर का विकास कैसे होगा। धन्यवाद।